Hi guys, here is Shahzad Ahmed and welcome in lecture number 8. आज हम ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, ये सर आप देख सकते हैं. ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो होते हैं जो स्टार्ट या एंड न्यू लाइन से हों. देख सकते हैं आप, ठीक है. मैं आपके लिए H1 है, P1 है, UL है और टेबल है हमारा. ये स्टार्ट भी न्यू लाइन से होते हैं और एंड भी न्यू लाइन पे होते हैं. ये हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं. इनलाइन एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं, जो जहाँ से ख़त्म होते हैं वहीं से स्टार्ट होते हैं. फॉर इंस्टेंस, हम कोड में आते हैं, हेडिंग का है हमारे पास, हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग वन, ठीक है. हेडिंग वन क्लोज करते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है. हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं. वापस हम जाएंगे, ये पुराना हमारा ऑन है. हम जाएंगे डायरेक्टरी में अपनी में, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ठीक है. जैसे ही हम जाते हैं, आप देखिएगा, आप देख सकते हैं कि हमने H1 स्टार्ट किया है और क्लोज किया है, तो इसने ऑटोमेटिकली शुरू में वहीं से हो रहा है और ख़त्म भी लाइन से हो रहा है. मींस लाइन ब्रेक हो रही है यहाँ पे. जितने भी आप H1 बनाएंगे, या P हो गया हमारा, UL हो गया हमारा, टेबल हो गया हमारा, ठीक है. हम P बनाते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है. चार हमारे हेडिंग हैं, दो हमारे पी करते हैं. आप देख सकते हैं कि जो पैराग्राफ है हमारे, वो भी न्यू लाइन पे आ चुके हैं. ऑर्डर डेटा था हमारा, ठीक है. तो हम एलाइज देखते हैं, एलाइज को हम क्लोज करेंगे. वन, ठीक है. दो एलाइज हमारी बन गई हैं, आप देख सकते हैं. अनऑर्डर लिस्ट, अगर आप इसको कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये न्यू लाइन पे ऑटोमेटिकली आ जाता है. ये हमारे होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स. और हमारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे टेबल डेटा है. फ्रेश करते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं. टेबल डेटा हमारा हो गया, या एंकर हमारा हो गया. एंकर बनाते हैं हम, एंकर HREF, ठीक है. एंकर आप देख सकते हैं कि ये एक ही लाइन में शो हो रहे हैं, लेकिन हमने टैग को अलग अलग बनाए हैं. यहाँ पे हम कर देते हैं अबाउट हेयर देयर. आप देख सकते हैं एंकर तो बन गए, लेकिन वन लाइन में. आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल डेटा, TD टेबल डेटा. अगर हम टेबल भी बनाते हैं, क्लोज करते हैं, जाहिर सी बात है टेबल है तो TR बनेगा हमारा, ठीक है. और टेबल डेटा क्लोज होगा हमारा, कॉपी करते हैं हम. अब देखिएगा, हम जितनी बार भी कॉपी करेंगे, वन, तो ये एक ही लाइन में बनते जाएंगे. आप जितनी दफा भी, 5 दफा करेंगे, 6 दफा, एक ही लाइन में बनते जाएंगे. तो ये होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स. और हमारा, अगर हम सिंपल देखें, ये हम, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अगर हम सिंपल देखते हैं, एक हम पैराग्राफ बनाते हैं, दिस इज पैराग्राफ.
अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये पैराग्राफ, एक हमारा टैग होता है स्पैन का, ठीक है, स्पैन क्लोज हुआ, स्पैन क्लोज कर दिया हमने, स्टाइल देते हैं, डोंट वरी स्टाइल से आप घबराइएगा मत, मैं क्या कर रहा हूँ, कलर रेड, सॉरी स्टाइल देना था। आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ जो है हमारा वो रेड है, बकाया हमारा जो दिस इज, ये हमारा ब्लैक है और पैराग्राफ जो लिखा हुआ है वो हमारा रेड हो चुका है। जब भी ऐसी कंडीशन आए कि आपको फॉर इंस्टेंस हेडिंग है हमारी, अब हेडिंग तो एक ही है, दिस इज हेडिंग, अब हेडिंग तो एक ही है, अगर आप स्टाइल देते हैं इसको कलर रेड, तो आप देखिएगा ये सारा रेड हो रहा है। ये मैं सीएसएस अप्लाई कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा हेडर एक ही है, ये सिर्फ जो हमारा इज है, हम चाहते हैं कि ये ग्रीन हो, ठीक है, ग्रीन हो, ये हमारा इज ग्रीन हो, बकाया हेडिंग ब्लैक हो, तो हम स्पैन यूज करेंगे क्योंकि हेडिंग तो हमारी एक ही है। स्पैन क्या करती है, एक ही लाइन में स्पैन क्लोज करेंगे हम, स्पैन को हम कलर दे देंगे, स्टाइल ई एस टी वाई स्टाइल, सॉरी कलर ग्रीन, आप देख सकते हैं कि हमारा इज ग्रीन हो गया है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक हमारा टैग होता है एच आर, आप देख रहे होंगे कि ये हॉरिजॉन्टल रो उसने बना दी है। एच आर के बाद हम पैराग्राफ बनाते हैं, दिस इज पैरा आफ्टर एच आर, ठीक है, आप देख सकते हैं कि उसने दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया है एच आर के टैग में। एक हमारा टैग होता है बी आर का, बी आर मीन्स ब्रेक रो, ब्रेक रो, ठीक है। अब हम स्पैन बनाते हैं, स्पैन स्पैन क्लोज करते हैं और स्पैन दूसरा कॉपी कर देते हैं, वन एंड टू, आप देख सकते हैं कि ये एक ही लाइन में बने। अगर मैं चाहता हूँ कि ये लाइन से जुदा हो जाए या लाइन ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पे मैं इसके बाद बी आर लगा दूंगा तो ये सेपरेट हो जाएंगे, लाइन ब्रेक हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।